नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जीरा हमारे लिए कितना उपयोगी होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिख रहा है ये जीरा होता है। जीरा जो हमारे सब्जी जैसे हम पानी में लस्सी में इसको पीते हैं। तो दोस्तों, जीरा जो होता है बहुत ही उपयोगी होता है। इसका जो जीरे का नाम सीमिनियम साइमिनियम है, ये पौधा अपियासे परिवार से संबंधित है। जीरा इस्तेमाल भारतीय, एशियाई और अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी देशों में मसाले के तौर पर किया जाता है। इसकी मजबूत सुगंध के कारण व्यंजनों में इसके तेल का उपयोग थोड़ी मात्रा में ही किया जाता है। जीरे को भारत में अनेक नामों से जाना जाता है। हिंदी में जीरा, तेलुगु में जीराकार, तमिल में इसको जीरा ग्राम और मलयालम में इसको जीरा कम और कन्नड़ में इसको जेरीज और गुजराती में जीरू और मराठी में जीर और बंगाली में जीरी भी कहा जाता है। दोस्तों, खाने के स्वाद बढ़ाने के अलावा जीरा आपके स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। ये एंटी एक्सीडेंट और एंटी इफ्लेमेटरी, एंटी फ्लेटुलेस गुणों के घर माना जाता है। इसके अलावा ये डॉक्टरी फाइबर और लोहा, तांबा, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज और सेलेनियम, जिंक, विटामिन और मैग्नीशियम का बहुत अच्छा स्रोत है। आप जीरे के साबुत बीज एवं जीरा पाउडर दोनों का ही सेवन अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, जीरे के जो फायदे होते हैं हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। आप देख सकते हैं, जीरा जो होता है ये दाने हैं, तो एक तो हमारा जो वजन होता है उसको कम करने में जीरा हमारा बहुत ही उपयोगी होते हैं। अगर आप इसको खाने में यूज़ करते हैं तो खाने में कुछ लोग इसको पीस कर करते हैं, साथ में कुछ इसके जो दाने डालते हैं भून कर डालते हैं। तो दोस्तों, जीरे से हमारा जो होता है वजन कम होता है और साथ में जीरे के लाभ से ब्लेटिंग का प्रभावी उपचार, जीरा जो होता है एनीमिया को दूर करता है। एनीमिया एक बीमारी है, बहुत खतरनाक होती है, जिससे जीरा आप यूज़ करते हैं तो उससे एनीमिया भी ख़त्म होता है। और जीरा जो होता है हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। अगर आप जीरे का सेवन आप रेगुलर करते हैं, अपने सब्जी मसाले में डालने में यूज़ करते हैं, तो उससे आपकी जो होती हैं हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, त्वचा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो जीरा जो होता है आपकी त्वचा को भी बिल्कुल ठीक करता है। जैसे मुहासे होते हैं, फिंसी होती हैं, इनसे भी वो हमारे शरीर को निजात दिलाता है। क्योंकि जीरा जो होता है हमारे शरीर के अंदर, हम जब भी उसको आप लस्सी के साथ पीते हैं, पुदीने के साथ उसमें पीस कर जलाकर उसको पीते हैं, तो उससे जो हमारे शरीर के अंदर गर्मी होती है वो बाहर आ जाती है। तो ऐसा करने से जीरा जो हमारी त्वचा का भी बहुत ख्याल रखता है। जिन लोगों को श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी जीरे का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि हमारे जो फेफड़े होते हैं हमारे शरीर को ये फिल्टर करने का काम करता है। तो दोस्तों, जिन लोगों को श्वास की प्रॉब्लम है वो जीरे का यूज़ अपने खाने में लगा सकते हैं और इसकी जो होती है सही मात्रा में यूज़ करें, जिससे हो सकता है कि आपके जो सांस की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाए। तो दोस्तों, जिन लोगों को मधुमेह का रोग है वो लोग जीरे का यूज़ करें। आयुर्वेद के अनुसार जीरे में बहुत अच्छे मधुमेह विरोधी गुण पाए जाते हैं। खाद्य विज्ञान और पोषण इंटरनेशनल जर्नल प्रकाशित अध्ययन में इस बात की पुष्टि की है कि जीरा हाइपोग्लाइसीमिया और ग्लूकोसीरिया में सहायता कर सकता है। मधुमेह को नियंत्रण करने के लिए 8 चम्मच काला जीरा भून लें और इसके पश्चात भुने हुए जीरे को पीसकर चूर्ण बनाकर पानी के साथ खा लें। कुछ महीनों के लिए ऐसा रोजाना दिन में 2 बार करें, उससे आपका जो मधुमेह का रोग होता है बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जीरा जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही लाभदायक है। इसको खाने में आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो इन्हीं वीडियो को बताता है कि इन चीज़ों के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि कौन सी चीज़ हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद होती हैं और कितना हमारे लिए नुकसान करते हैं। दोस्तों, जीरा हमारे लिए बिल्कुल नुकसानदायी नहीं है, कुछ आप जैसे मर्जी इसको खा सकते हैं और साथ ही अपने सब्जी में इसको ज़रूर खाएं, जिससे आपके जो शरीर है बिल्कुल फिट रहेगा। दोस्तों, इस चैनल का जो मेन मकसद है आपको यही बताना है कि आप नेचुरल चीज़ें खाएं और देसी चीज़ें खाएं, जिससे आप हर टाइम फिट रहें। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं,
जिससे आने वाली मेरी जो वीडियो है वो आप सबसे पहले आपके पास आएगी। और साथ ही इन वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि जीरा हमारे लिए कितना उपयोगी है। जय हिंद, जय भारत।